नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए कविता धिंगड़ा और आज हम बात करेंगे शेड्यूल वन ऑफ जीएसटी के बारे में। शेड्यूल वन हमारे पास उन ट्रांजैक्शंस की बात करेगा जिन ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई कंसीडरेशन ना होते हुए भी हमें उसके ऊपर जीएसटी पे करना मैंडेटरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल वन पैरा वन के बारे में। शेड्यूल वन पैरा वन टॉक्स अबाउट परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज़ बीन टेकन, यानी उन वो बिजनेस एसेट्स जिनके ऊपर आप लोगों ने आईटीसी पहले ही अवेल कर लिया है लेकिन फिलहाल आप उन्हें विदाउट एनी कंसिडरेशन किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आपको जीएसटी पे करना मैंडेटरी है। अब सवाल सबसे पहले दोस्तों ये उठता है कि हम ऐसी बिजनेस एसेट के ऊपर जिसके डिस्पोजल या ट्रांसफ़र के ऊपर जीएसटी क्यों दे जिसका हमने कंसीडरेशन ही नहीं लिया, जिसके अगेंस्ट हमने कोई भी मनी या अदर थिंग नहीं लिए। सबसे पहली बात, जब गवर्नमेंट ने बिजनेस एसेट परचेज करने पे हमें आईटीसी दिया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया था, तो गवर्नमेंट का प्रस्पेक्टिव ये था कि आप उस बिजनेस एसेट को फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस यूज़ करेंगे, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम उस बिजनेस एसेट को किसी अदर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का वो प्रस्पेक्टिव ख़त्म हो गया। वो प्रस्पेक्टिव जो था इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का वो ख़त्म हो गया। अब आप उसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है मैं इसे सप्लाई मानूंगी, तो एज पर जीएसटी रूल आपको उसको सप्लाई मानना पड़ेगा और उसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन शेड्यूल वन पैरा टू की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिम डिस्टिंक्ट पर्सन आ जाएगा। अगर किसी भी रिलेटेड पर्सन के बीच में और डिम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसे हम सप्लाई मान के चलेंगे विदाउट एनी कंसिडरेशन हो तो भी, और उसके ऊपर आपने जीएसटी लगाना है। हाँ, इसके अंदर एक और एक्सेप्शन ज़रूर दी गई है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में होती है और उसकी वैल्यू 50,000 से कम है, यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कोई भी विदाउट एनी कंसीडरेशन फैसिलिटी दी, कोई भी गिफ्ट दिया एज एन, तो उसकी वैल्यू अगर 50,000 से कम है तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। ये 50,000 की ट्रांजेक्शन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की रिलेशनशिप के अंदर अलाउड की गई है। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन में क्या फ़र्क रहेगा? रिलेटेड पर्सन में दोनों पर्सन के पैन अलग अलग होंगे, ध्यान रखिएगा। रिलेटेड पर्सन के केस में दोनों के पैन क्या होंगे? अलग अलग। बट इन केस ऑफ डीम डिस्टिंक्ट पर्सन एक ही पर्सन के पैन पे अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रजिस्टर्ड की जाती है, ठीक है जी। यानी अपने ही पैन पे मैंने चार जगह अपनी ब्रांचेज बनाई तो चार जगह अलग अलग मैंने जीएसटी नंबर लिए। चारों स्टेट्स की बात कर रही हूँ मैं, नॉट विद इन अ सिंगल स्टेट, मैं चारों स्टेट्स में ही अलग अलग जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया, ठीक है जी। वैसे सिंगल स्टेट में भी आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो चार अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए सिंगल पैन के ऊपर, उन चारों को हम क्या मान के चलेंगे? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर ये चारों भी आपस में कुछ भी ट्रांसफ़र करती हैं विदाउट एनी कंसीडरेशन तो भी उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा, उसे हम सप्लाई मान के चलेंगे। डन। नाउ कम टू द शेड्यूल वन पैरा थ्री। शेड्यूल वन पैरा थ्री बात करता है सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट्स के बारे में। अब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जहां आता है वहां हम सप्लाई जो मान के चलेंगे विदाउट एनी कंसिडरेशन, किस पर जीएसटी आएगा किस पर जीएसटी नहीं आएगा, इसके लिए हम एक छोटे से टॉपिक को उठा के चलेंगे। देखिए, हमारे पास जो प्रिंसिपल है पी प्रिंसिपल ने ए एजेंट को कुछ भी गुड्स ट्रांसफ़र की, ठीक है जी। अगर ए एजेंट ने आगे अपना खुद का इनवॉइस दे दिया कंज्यूमर को, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, पी ने ए को गुड्स ट्रांसफ़र की, ए ने उसके बिहाफ पे आगे कंज्यूमर को ट्रांसफ़र की, ये एजेंट का काम होता है। लेकिन अगर एजेंट ने वो गुड्स कंज्यूमर को अपने खुद के बिल पे दी, उसने अपना खुद का बिल इशू किया, खुद के नाम पे ट्रांसफ़र की उस एजेंट ने, तो यहाँ पर जब पी ने ए को गुड्स ट्रांसफ़र की तो वो जीएसटी लगाएगा, ए उसके ऊपर जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। ये शेड्यूल वन पैरा थ्री के अंदर आएगी, विदाउट एनी कंसीडरेशन चाहे दिया हो लेकिन एजेंट ने अपने नाम का इनवॉइस इशू किया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, पी ने जब ए को गुड्स दी और ए ने अपने नाम का इनवॉइस ना इशू करके ऑन द बिहाफ ऑफ पी के नाम पे इनवॉइस आगे कंज्यूमर को इशू कर दिया, तो वहां पर जीएसटी के लिए यहां ए लायबल नहीं होगा, सीधा पी ने कंज्यूमर से जीएसटी चार्ज करना है, ठीक है जी। तो पी और ए के जो बीच की ट्रांजैक्शन है वो तभी टैक्सेबल होगी, तभी जीएसटी की लिमिट्स में आएगी, जब ए ने कंज्यूमर को अपने नाम का इनवॉइस दिया हो। अगर ए ने कंज्यूमर को पी के नाम का इनवॉइस दिया है तो वो ट्रांजैक्शन इसके अंदर कवर नहीं होगी। डन। नाउ
कम टू द पैरा फोर शेड्यूल वन. पैरा फोर शेड्यूल वन हमारे पास इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करता है. इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारे पास, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाती हूँ. चार्ट हवा में बनाऊंगी लेकिन आप सब लोगों को समझ आ जाएगा. हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं. इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में सबसे पहले विद कंसिडरेशन अगर आप देखेंगे तो विद कंसिडरेशन का सब कुछ टैक्सेबल है. अगर आपने कुछ पैसे दिए, कोई भी कंसिडरेशन दिया, सर्विसेज को बाहर से इम्पोर्ट कर लिया, तो वो हमारे पास क्या है, टैक्सेबल. वो हमारे पास शेड्यूल वन के अंदर कवर नहीं होता, वो सेक्शन 71A में कवर हो जाएगा. ठीक है जी. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. वी आर इम्पोर्टिंग सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन. हमने बिना किसी कंसिडरेशन के सर्विसेज को इम्पोर्ट किया है. ठीक है जी. अगर हमने बिना किसी कंसिडरेशन के सर्विसेज को इम्पोर्ट किया तो इसके आप फिर से दो पार्ट्स बना लेंगे. दो पार्ट्स क्या बनाएंगे कि किसी रिलेटिव से किया और नॉन रिलेटिव से किया. बिना कंसिडरेशन के किया है लेकिन किसी रिलेटिव से किया और नॉन रिलेटिव से किया. नॉन रिलेटिव से किया छोड़ दीजिए, वो एग्जम्प्ट है, वो हमारे टैक्सेबल के अंदर नहीं आएगा. अब जो हमने रिलेटिव से किया उसके आगे दो सब पार्ट्स और बनाइए. जो दो सब पार्ट्स बनाए हमने, इम्पोर्ट किया, रिलेटिव से किया, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस किया, नोट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस किया. ठीक है जी. फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस किया, नोट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस किया. जो नोट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है दैट विल बी एग्जम्प्ट. अगर पर्पज ऑफ बिजनेस के लिए है दैट विल बी टैक्सेबल. यानी कि आपके पास तीन कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हो, बिजनेस के लिए हो और रिलेटिव से हो. हाँ, विदाउट एनी कंसिडरेशन तो ऑब्वियसली है ही, तभी हम शेड्यूल वन पैरा वन की, पैरा फोर की बात कर रहे हैं. विद कंसिडरेशन वाला तो वैसे ही सप्लाई में चला गया. ठीक है जी. तो ये हमारे पास चार ऐसे पैराज थे जिसके अकॉर्डिंग अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ सप्लाई कर रहे हैं, कुछ इशू कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना मैंडेटरी है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी. मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं. आई विल श्योरली ट्राई टू गिव आंसर ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.